नंबर्स हैं और हमने बताना है कि वो अबेलियन ग्रुप है और इस बार ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा. सो रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं एंड जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकता बिकॉज ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड. ठीक है, सो ये होता है रैशनल नंबर्स, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज कि ओके अबेलियन भी पता है कि अबेलियन क्या होता है. अबेलियन ग्रुप यानी कि क्लोजर एसोशिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारा जो सेट है वो सेटिस्फाई करना चाहिए. ठीक है, तो लेट करते हैं कि क्यों वो वाला सेट होगा. ठीक है, क्यू एस्टेरिक. ठीक है, लेट क्यू एस्टेरिक बी द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स. सी रैशनल नंबर ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है बट यहाँ पे हमने ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करना है. तो यानी कि जो सेट है ये किसके बराबर होगा, क्यू यानी कि रैशनल नंबर्स के, पर इसमें से हमने माइनस कर देना है ये ज़ीरो को. ठीक है, और जो भी ए होगा यानी कि जो भी वैल्यू होगी ए बी सी डी वो सारी क्यू को बिलोंग करेगी, पर जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकता. ठीक है, आई मीन इट्स नॉट वेरी नेसेसरी बिकॉज फर्दर वी विल राइट, बट ओके. सो लेट्स मूव ऑन विथ कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है नहीं करता. क्लोजर प्रॉपर्टी, सो सी क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि ए प्लस बी जो भी है वो बिलोंग करना चाहिए इस सेट को. ठीक है, बट एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को ऑपरेशन हो रहा है. ओके, सो अगर 2/3 ले लूँ या 4/6 ले लूँ, कुछ भी. ठीक है, 4/9 फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी इंटीजर भी ले सकता हूँ ऑब्वियसली, बट फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा, तो वो भी इस सेट में बिलोंग कर रहा होगा, है ना. ऐसी कोई वैल्यू भी इस सेट में होगी. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि ऑफकोर्स ये ए कॉमा बी भी बिलोंग करने चाहिए इसको. तो ये भी जो इनका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. सेकंड है एसोशिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, दैट ए डॉट बी डॉट सी डॉट बी डॉट सी. ठीक है, यानी कि 2/3/6 इज इक्वल टू 2/3/6, राइट. 3/6.6 एंड 36, राइट. सो 36 भी इस ग्रुप में होगा और जो ए कॉमा बी कॉमा सी है ये बिलोंग करनी चाहिए इस सेट को. ठीक है, राइट. थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो यानी कि ए को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा, ए. और अगर मैं 1 को भी ए से मल्टीप्लाई करूं तब भी आंसर ए ही आता है ना. तो इसका मतलब ये है कि ये
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1, 2, 3, 2 बाय 3, 2 बाय 6, 2 बाय 9, वट एवर, ठीक है. और जो 1 है, 1 भी ऑफ कोर्स एक रैशनल नंबर है. सो इसका मतलब ये कि 1 एंड दिस ए दे बिलोंग टू क्यू स्टेट, राइट. तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी इस पर वैलिड है. नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. इनवर्स क्या होता है कि जो ए है, अगर मैं उसको 1/a से करूं तो मेरा आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, 1 आ रहा है ना. सो इसका मतलब, और इसको ऐसे भी करना है तब भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है. फॉर ऑल जो ए है वो बिलोंग करेगा, इससे सिर्फ कुछ भी हो सकता है. अगर यानी कि 2 है और वो 1/2 है, ठीक है, या फिर 3/6 है और ये 6/3 है, तब भी आंसर 1 ही आएगा, है ना. सो कुछ भी ऐसा, ठीक है. सो या यानी कि जो 1/a है वो भी बिलोंग कर रहा है इस सेट को, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है. नाउ लास्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो a मल्टीप्लाई b है वो b मल्टीप्लाई a की इक्वल होनी चाहिए, है ना. कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 × 3, 4 × 2, क्या वो 4 × 2/2 × 3 के इक्वल होगा? 4/3, राइट. एंड जो ए कॉमा बी है ये बिलोंग कर रहा है इस सेट को. तो ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी इस जो रैशनल नंबर्स का सेट है उनमें बिलोंग करता है, ये भी एक रैशनल नंबर है, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब कि ये इज एन अबेलियन ग्रुप. ग्रुप क्या होता है? सेट के साथ में अगर कोई भी ऑपरेशन है तो वो